स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश मतगणना के महापर्व में इस बार वीआईपी अपनी ठसक नहीं दिखा पाएंगे। आमतौर पर काउंटिंग वाले स्थान पर अपने समर्थकों और साथियों की भीड़ के साथ पहुंचकर मंत्री सांसद और पार्टी के वरिष्ठ अपने लोगों का उत्साह बढ़ाते रहे हैं। उनकी जीत की खुशियों में शामिल होकर उन्हें समय पूर्व बधाई और हार की परिस्थितियों में ढांढस बंधाने का काम भी इनके जिम्मे आया है। लेकिन चुनाव आयोग के नए फरमान ने ऐसे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इस बार मतगणना केंद्रों में वीआईपी एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। तय किया गया है कि इस बार की मतगणना के दौरान केंद्र या राज्य के किसी मंत्री को मतगणना स्थल पर जाने के लिए प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इस परिधि में मंत्री, सांसद, विधायक और महापौर को भी शामिल किया गया है। वे किसी प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट नहीं बनाए जा सकेंगे। पाबंदियों के असर में इस बार वे सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी होंगे जो किसी पार्टी के प्रत्याशी के लिए पोलिंग एजेंट बनकर मतगणना केंद्र में जाते रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार कोई भी मंत्री सिर्फ उस स्थिति में ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश पा सकेंगे जब एक खुद विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हो। वो केवल उसी विधानसभा क्षेत्र के मतगणना कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा के लिए तैनात सशस्त्र गार्डों को मतगणना केंद्र के भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।